समय साथ जुड़ रहे हैं। जनार्दन जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। जी नमस्कार जी, मेरे पास इंडिया मार्ट का 2772 के रेट में 110 से आ रहे हैं, और KNR कंस्ट्रक्शन का 1060 से आ रहा है 252 के रेट में। लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए मुझे सर। दोनों लॉन्ग टर्म है ना जी, एक एक करके लेते हैं। पहले तो इंडिया मार्ट बताइए राजेश जी, 2772 में खरीदा है। देखिए नीरज जी, मुझे लगता है इंडिया मार्ट अगर आप वीकली चार्ट देखते हैं तो मुझे लगता है जब तक ये 2500 का लेवल मेंटेन किए हुआ है तब तक उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट इसका एक ब्रेकआउट की जरूरत है और वो है 2700-2720, आई थिंक इसी के आसपास उनकी एंट्री है। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट मिलेगा उसके बाद मुझे लगता है ये जो टारगेट देगा कम से कम 3000 से लेकर 3200 का होगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, आपको थोड़ा होल्ड रखना पड़ेगा। तो 2400 का जो सपोर्ट है और उसको ओवरऑल वोलेटिलिटी देख के मुझे लगता है 2450 का, मैंने 20 सपोर्ट के थोड़े ऊपर मैं स्टॉप लॉस रखने की चेष्टा करूंगा। सो 2450 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, जैसे ही 2720 का लेवल निकले फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। तो काउंटर लुक्स गुड टू मी। द सेकंड वन इज KNR कंस्ट्रक्शन, राइट? सेकंड वन इज KNR कंस्ट्रक्शन, 252 पर खरीदा है। देखिए मुझे लगता है कि फिलहाल तो KNR कंस्ट्रक्शन एक कंसोलिडेशन में है, और ये कंसोलिडेशन जो है वो नीरज जी 250 से लेके 260-270 की रेंज में है। तो ये 15-20 रुपए का जो कंसोलिडेशन है इसको ब्रेकआउट की जरूरत है। तो फिलहाल तो मैं ये कहूंगा आप बने रहे, 250 का ही स्टॉप लॉस रखें, और 260-270 ये रेंज जैसे ही निकले, तो 270 पकड़े, 270 का लेवल जैसे ही निकले फिर मुझे लगता है ये 300 तक भागेगा। तो काउंटर में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिलहाल ये कंसोलिडेशन में है। सो फॉर मी इट्स ए होल्ड। KNR कंस्ट्रक्शन होल्ड करिए, 300 तक जा सकता है, कंसोलिडेशन के मोड में है। अगला सवाल है दिनेश का अहमदाबाद से। दिनेश जी नमस्कार। जी नमस्कार जी सर, मेरे पास इंडसइंड बैंक है, 350 शेयर है, 1050 रुपये के हाई, और दूसरा शेयर मेरे पास है सेल, वो मैंने 135 में 1000 लिया हुआ है। तो ओके, क्या करना चाहते हैं? मैं 2 महीने रुक सकता हूँ। 2 महीना? हाँ राजेश जी, 2 महीने के लिए इंडसइंड बैंक और सेल। इंडसइंड बैंक देखिए, इंडसइंड बैंक सपोर्ट पे है, मुझे लगता है 1450 और 1430 ये इसका सपोर्ट जोन है। जब तक ये इस जोन को ये मेंटेन करता है तब तक पूरे चांसेस है कि ये 1600 तक जाए, जहां पे आपको एग्जिट लेना है। ये कम्प्लीटली 2 महीने का ही व्यू रहेगा। सो अगर आपको पोजिशन मेंटेन करनी है तो आपको 1420 का 1420 का एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। रही बात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सेल की, तो देखिए सेल में कल एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला, 160 का वो लेवल था, एंड अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 175 का, 175 से लेके 180 पकड़ के चले। तो जिस तरह से मेटल में मूवमेंट आ रहा है तो मुझे लगता है सेल पे नजर होगी, लेकिन एक स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा और वो रहेगा 150।